हेलो, आई एम डॉक्टर दीपांशु गुरनानी। मैं नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में ENT और कान नाक गले के कैंसर का चिकित्सक हूँ। आज हम लोग बात करेंगे टेढ़ी नाक की हड्डी, यानी कि डेविएटेड नेजल सेप्टम, जिसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं। डेविएटेड नेजल सेप्टम को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। अगर मैं आपको दुनिया भर का डेटा के बारे में बताऊं, तो लगभग 100 में से 68% लोग, यानी कि सारी दुनिया में 68% पॉपुलेशन की नाक की हड्डी कुछ ना कुछ हद तक टेढ़ी होती है। लेकिन इन 68% में से सिर्फ 1% के आसपास ही लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग नाक की हड्डी की बात करें तो कुछ अलग अलग हड्डियों से मिलकर ये बनाई जाती है, जिसमें नेजल बोन होती है, फ्रंटल बोन होती है, मैक्सिलरी बोन और नाक के पीछे इथमोइड बोन। इन सब बोन्स को मिला के नाक का जो आकार है वो बनता है। नाक की जो सेप्टम होती है, यानी कि नाक की बीच की हड्डी, उसके दो भाग होते हैं, पीछे बोनी पार्ट और आगे एक सॉफ्ट हड्डी होती है, जिसको हम लोग कार्टिलेजिनस पार्ट बोलते हैं। DNS यानी कि डेविएटेड नेजल सेप्टम या तो सिर्फ पीछे वाली हड्डी का हो सकता है, जिसे हम लोग बोनी DNS बोलते हैं, या आगे वाली हड्डी का हो सकता है जो कि सॉफ्ट हड्डी का है, जिसे कार्टिलेजिनस बोलते हैं, या फिर जो सबसे कॉमनली मिलता है मिक्स टाइप, जिसमें दोनों तरीके की हड्डियों का टेढ़ापन होता है। DNS से जो कॉमनली दिक्कत आती है मरीज़ों को, वो ये होता है कि मरीज़ बोलता है कि मुझे एक तरफ नाक से सांस लेने में परेशानी रहती है, एक तरफ अक्सर नाक बंद रहती है। अगर DNS की दिक्कत एलर्जी के साथ जुड़ी हुई होती है, तो मरीज़ को बार बार छींके आना, नाक में से पानी निकलना, चेहरे में भारीपन होना, ये सब महसूस होता है। मरीज़ को अक्सर खरांटे लेने की तकलीफ़ भी होती है। DNS की दिक्कत जब भी हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मरीज़ को तुरंत ऑपरेशन के लिए भागना चाहिए। आप अपने नज़दीकी ENT डॉक्टर से कंसल्ट करें। जो भी आपके ENT डॉक्टर होंगे, वो पहले मरीज़ की दूरबीन से जांच करेंगे, ये देखने के लिए कि अंदर की हड्डी वास्तव में कितनी टेढ़ी है और उसके लिए किसी ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं है। उसमें भी जो फर्स्ट स्टेप है, वो स्टेप होता है कंजर्वेटिव मेडिसिन, यानी कि हमेशा हम लोग दवाइयों से ये कोशिश करते हैं कि जो टेढ़ी हड्डी है उसके आसपास की जो चमड़ी है उस सूजन को घटा दे, तो नाक का ब्लॉकेज अपने आप बंद हो जाता है कभी कभार। अगर मान लीजिए दवाइयों से पेशेंट को फ़र्क नहीं पड़ता है, तो एंडोस्कोपी के साथ में हम लोग CT स्कैन करवा के ये देखते हैं कि जो नाक की हड्डी है वो किस एंगल पर टेढ़ी है, और उस हड्डी के टेढ़ेपन के साथ में साइनस के साथ तो कोई तकलीफ़ नहीं है। इन केस सर्जरी के लिए प्लान करते हैं, तो पहला क्राइटेरिया ये है कि मरीज़ की उम्र 17 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। 17 साल से कम उम्र में ये ऑपरेशन इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि तब तक फेशियल आर्किटेक्चर पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो कभी कभार टेढ़ी हड्डियाँ भी सीधी हो जाती हैं, इसलिए 17 साल एक क्राइटेरिया है, उससे कम ये वाला ऑपरेशन नहीं किया जाता है। जिन मरीज़ों में हम लोग ये ऑपरेशन की सलाह देते हैं, ये टोटल डे केयर प्रोसीजर है, एकदम इलेक्टिव प्रोसीजर है। इलेक्टिव यानी कि इसमें कोई इमरजेंसी नहीं है, भाग के करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना टाइम निकाल के अपनी सहूलियत के साथ ये वाला ऑपरेशन करवा सकते हैं। ऑपरेशन टोटली एंडोस्कोपिक होता है, यानी कि दूरबीन डाल के किया जाता है, कोई टाँका कोई चीरा नहीं आता है। सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा मरीज़ को दर्द नहीं होता है, सर्जरी के दौरान बहुत ज़्यादा खून नहीं निकलता है। मरीज़ अपनी रूटीन फंक्शनिंग यानी रूटीन एक्टिविटी में लगभग 5 से लेकर 7 दिन के अंदर अंदर आ सकता है, और सर्जरी के कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। सर्जरी कभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ हड्डी के लिए करते हैं, और कभी कभार जो नाक के अंदर की साइड की हड्डियाँ, जिन्हें हम लोग टर्बिनेट्स बोलते हैं, अगर वो भी फूली हुई होती हैं, तो हम लोग उनका भी ऑपरेशन साथ में करते हैं, जिस चीज़ के बारे में पेशेंट को पहले बता दिया जाता है। अगर आप इस सर्जरी की बात करें, तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। ओवरऑल एक बार सूजन घटने के बाद 4 से लेकर 8 हफ्ते में पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, उनकी कंप्लेंट्स ठीक हो जाती हैं। अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं नाक के आगे वाला हिस्सा टेढ़ा है, जिसको हम लोग कॉलिमुलर डिवीशन बोलते हैं। पेशेंट बार बार कांच के अंदर देखता है और उन्हें लगता है कि उनकी नाक की हड्डी टेढ़ी है। इस वाली हड्डी के टेढ़ापन के लिए किसी भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक चीज़ है जो कि सामने से नहीं दिखेगी, वो सिर्फ तब दिखेगी जब पेशेंट अपनी नाक की टिप ऊपर की तरफ उठाएगा। इन चीज़ों के लिए पेशेंट को गाइड करना ज़रूरी है कि ये सिर्फ कॉलिमुलर डिविएशन के लिए पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है जिसमें नाक के अंदर की हड्डी के साथ में जो बाहरी आकार है उसमें भी टेढ़ापन हो। अगर बाहरी आकार में टेढ़ापन है, तो हम लोग सेप्टोप्लास्टी यानी कि नाक के अंदर की हड्डी को सीधी करने के साथ में बाहर की हड्डी को भी सीधा करते हैं। उसमें कभी कभार हम लोगों को एक छोटा चीरा देने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि यहाँ दिया जाता है। सर्जरी का नाम सेप्टोराइनोप्लास्टी होता है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है, लेकिन जब तक आपके जो क्लिनिशियन है वो ये एडवाइस नहीं करते कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है, आप खुद इस चीज़ के बारे में दिमाग नहीं लगाएं। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सर्जरी करवाने की ज़रूरत है।
अगर आपको या आपके नज़दीकी किसी रिश्तेदार को ऐसा लगता है कि आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है, तो अपने नज़दीकी ENT डॉक्टर से संपर्क करें। हो सकता है मैंने आपके सारे सवालों का सही जवाब दे दिया है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप नीचे लगे हुए लिंक पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।